हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत डेस्टिनेशन की सैर पर। हालांकि ये एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, नो डाउट, लेकिन फिर भी ये आपको अपने दिल और अपने देश दोनों के करीब नजर आती है। यहाँ जाना उतना ही आसान है जितना खुद भारत में रहकर भारत के किसी दूसरे स्टेट में जाना। नो वीजा, नो पासपोर्ट, लेकिन मजा उतना ही जितना एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की ट्रिप में आपको मिलेगा। तो कौन सी है वो जगह और क्या क्या है खासियत इस जगह में, बताएंगे आपको पूरी कहानी। लेकिन एक बात बता देते हैं, खूबसूरती इतनी है इस जगह में कि आप इस पर दिल न्योछावर कर बैठेंगे। एक तरफ खूबसूरत झील, दूसरी तरफ हिमालय का खूबसूरत नजारा, और हाँ, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। यहाँ जो खूबसूरती हम आपको दिखाएंगे ना, सीरियसली वर्ल्ड में ये खूबसूरती आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू से कुछ दूरी पर स्थित पोखरा शहर की सैर पर, एक ऐसी जगह जो प्रकृति ने अपने हाथों से बनाई है। तो चलिए चलते हैं पोखरा के सफर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश नेपाल खूबसूरती और प्रकृति के अजूबों से भरा हुआ है। यहाँ जाना हमारे लिए वैसा ही है जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाना। भारत और नेपाल की सीमा में रहने वाले लोग चलते चलते नेपाल में प्रवेश कर जाते हैं। कोई खास फॉर्मेलिटीज नहीं है यहाँ एंट्री के लिए। इसी के साथ दोस्तों, जब बात नेपाल की आती है तो कुछ खूबसूरत शहरों की भी आती है, और नाम आता है काठमांडू। लेकिन काठमांडू के समान ही एक और खूबसूरत शहर है, नाम है पोखरा। पोखरा नेपाल का प्रमुख शहर है जहाँ विराट हिमालय के अद्भुत नजारों का आनंद लिया जा सकता है। इस शहर में एक खूबसूरत झील है, फेवा झील, जिसके किनारे बैठना एक अलग ही तरह का एहसास देता है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू से हम पोखरा हवाई मार्ग से चले। फ्लाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको कुछ ही घंटों में वहां पहुंचा देती है जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, नेपाल जैसे हरे भरे देश में हवाई सफर करने के बाद आपको पछतावा होगा कि अरे हम बाय फ्लाइट क्यों आए, क्योंकि प्राकृतिक नजारे आप मिस कर देंगे। सड़क मार्ग से जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो सीरियसली ये नजारा और ये अनुभव आपको कहीं नहीं मिलेगा। काठमांडू से पोखरा जल्दी पहुंचने के बावजूद खुशी आपको मिलेगी पहाड़ों और हरियाली के बीच से सफर तय करने में। समय की कमी की वजह से लोग पत्थर रखकर अपने दिल पर फ्लाइट ले लेते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उन्होंने क्या मिस किया। पहाड़ों के बीच स्थित छोटा सा एयरपोर्ट है जो बेहद सुंदर लग रहा था। पहाड़ों की यही तो खासियत है कि कुछ भी रख दो, खूबसूरती दोगुनी हो जाती है। दोस्तों, पोखरा पहुंचकर सबसे पहले हम अपना ठिकाना ढूंढेंगे और यहाँ पर स्टे करेंगे। पोखरा की सुंदर झील के पास ही कोशिश कीजिएगा रहने का। खूबसूरत झील के पास होने की वजह से ये होटल अपने आप में खास था। यहाँ के होटलों की बनावट बहुत खूबसूरत है। लकड़ी की सीढ़ियाँ और इनकी बनावट से नेपाल की वास्तुकला दिखती है। प्राचीन वास्तुकला को आज भी सजो के नेपाल ने रखा है। इसी के साथ खूबसूरत नजारे, छोटा सा स्वच्छ पोखरा, सुरम्य और सुंदर शहर आपको अट्रैक्ट कर रहा है। खूबसूरत फेवा लेक के किनारे बसा हुआ ये शहर सीरियसली किसी स्वर्ग से कम नहीं। पोखरा शहर में आप नेपाल की प्राचीन कला का अनुभव कर सकते हैं, आधुनिकता को भी देख सकते हैं। चमक दमक और आधुनिकता से पूरा ये सुसज्जित है। यहाँ के बाजार, महंगे महंगे होटल्स, मॉल्स भी आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ नेपाल की संस्कृति की झलक जरूर मिल जाएगी। इस आधुनिकता में भी नेपाल की वास्तुकला को बिसराया नहीं गया। पोखरा में चाहे होटल्स हों, मॉल्स हों, या फिर आधुनिकता से भरी हुई इमारतें, हर जगह नेपाल की संस्कृति परिलक्षित होती है। इन सब में अच्छी बात तो यह है कि यहाँ के लोग हिंदी को बहुत अच्छे से समझते हैं, जिसमें इंडियंस को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आपसे बात करते हैं, हिंदी बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। आप बहुत इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये जगह अपनी सी लगती है। इसी के साथ यहाँ के नज़ारे ढूंढना और उसको एक्सपीरियंस करना बहुत ही आसान है। दोस्तों, पोखरा में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है।
फेवा झील के साथ साथ और भी बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं जहां पर लोग जाते हैं। दोस्तों, पोखरा नेपाल की मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसलिए यहां पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। ताज़ा हवा के साथ साथ बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ यहां मिलेगा। यहां पर खूबसूरती का भंडार है, तो चलिए कुछ खूबसूरती को देखने के लिए हम भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप यहाँ कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं फेवा झील। ये झील सबसे अच्छी है। खूबसूरत फेवा झील पहाड़ों के नीचे दूर तलक तक पसरी हुई है। जहां तक नजरें जाती हैं, झील ही झील दिखाई देती है। इस लेक को देखकर लगता है कि पहाड़ों के बीचों बीच भगवान ने एक जल तंत्र, एक वाटर सिस्टम बना दिया है। ये नजारा सुंदर और मोहित करने वाला है। यहाँ आकर लगता है कि सुकून अगर कहीं है तो यही है, यही है, यही है। मैं भी इस सुंदर झील को देखकर बहुत अट्रैक्ट हुई। मेरा इस झील के पास आने के बाद कहीं जाने का मन नहीं किया। मैं झील के किनारे ही पेड़ों के गद्दे पर बैठकर झील और दूर आसमान को छूते पहाड़ों को देख रही थी। साफ और खूबसूरत झील कभी नहीं देखी थी मैंने। पहली बार कुछ नया देखने का मौका मिला। आप उस दृश्य को हमेशा के लिए अपने मन में सहेज कर रख लेते हैं जो आपके दिल के करीब होते हैं। इसी के साथ मैं दोबारा आने का वादा करके इस झील को बाय बाय करती हूँ और आगे एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन के लिए बढ़ती हूँ। दोस्तों, ये है अन्नपूर्णा सर्किट। अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला में ये हिमालय ट्रैक का सबसे खूबसूरत स्थान है, जो ट्रैकर और पर्वतारोहियों का मुख्य केंद्र है। पर्वत की ऊंचाई छूने के एक अलग ही अनुभव को आप यहाँ फील करेंगे। उसी अनुभव को पर्यटक यहाँ जीने आते हैं। नेपाल पोखरा सिटी आपको इस स्थान के जरिए उस जगह पहुंचा देगी जहां से आप पूरे शहर और आसपास के खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं। अपने साथ कैमरे को जरूर रखिएगा क्योंकि ये एक्सपीरियंस आप बार बार लेना चाहेंगे। दोस्तों, दिस इज शांति स्तूप। इसे पीस पंगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये अनाड़ू पर्वत पर स्थित है जहाँ से आप फेवा झील को भी देख पाएंगे। हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ और उसके बीच बसा एक स्तूप अपने अस्तित्व का एहसास करवाता है। पोखरा दर्शनीय स्थल में एक बहुत ही प्रसिद्ध और अद्भुत जगह है। यहाँ आकर इस जगह को छोड़ पाना बहुत मुश्किल लगता है। दोस्तों, ये है इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम। म्यूजियम में अनोखी कलाकृतियाँ, वास्तविक उपकरण, पर्वतों से जुड़ी अनसुनी कहानियाँ, तस्वीरें, बहुत कुछ मिलेगा। संग्रहालय आपको हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में बताएगा, 14 सबसे मशहूर और ऊंची चोटियों से परिचित करवाएगा। ये संग्रहालय मुख्य रूप से पर्वतारोहण के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों का रिकॉर्ड भी रखे हुए है, जिसे आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं और देख सकते हैं। देखने लायक जगह है दोस्तों, आप इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, दिस इज ताल बराही मंदिर। पोखरा के टॉप पर्यटन स्थल में से एक इस मंदिर का नाम बहुत ही खास है। इसी के साथ झील मंदिर और बराही मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर बराही देवी को समर्पित है, जिन्हें माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। ये दो मंजिला पगोड़ा मंदिर है जो फेवा झील के छोटे से द्वीप पर स्थित है। इस मंदिर की मान्यता हिंदुओं और बौद्धिस्ट दोनों के लिए अहम है। ये मंदिर आराधना का केंद्र है। इसकी मुख्य मूर्ति पारंपरिकता की झलक बिखेरती है और लकड़ी, ईंट और पत्थर से बनी है। ये मान्यता है कि माँ ने बराही का अवतार राक्षसों को मारने के लिए लिया था। ये मंदिर शक्ति का प्रतीक है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, यहाँ जरूर जाते हैं। दोस्तों, ये है डेविस फॉल। इस झरने की खास बात ये है कि ये जमीन के नीचे जो 500 मीटर लंबी सुरंग बनाता है, उसके आसपास का इलाका घने वृक्षों से घिरा है। बाकी सभी वाटरफॉल से अलग है ये दोस्तों, क्योंकि ये जमीन के नीचे नीचे बहता है। पोखरा आकर प्राकृतिक नजारों से लबरेज इन जगहों पर जाना अपने आप में खास एक्सपीरियंस है। पोखरा में पर्यटन स्थल की कमी नहीं है, जहाँ चाहिए वहाँ चले जाइए। इसी के साथ इस झील को भी जरूर एक्सप्लोर कीजिए। गुप्तेश्वर महादेव नामक गुफा से होकर गुजरती है ये झील। यहाँ आपको नेपाली संस्कृति को देखने का भी मौका मिलेगा और लोगों से मिलने का भी। दोस्तों, ये है सारंगकोट। सारंगकोट पर्वत पर बसा एक ग्रामीण क्षेत्र है जो अद्भुत दृश्य दिखाता है। 1600 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये हरियाली युक्त स्थान है पर्यटकों के बीच एक पैराग्लाइडिंग का मुख्य केंद्र। यहाँ के ढलते सूरज को देखना मतलब एक यादगार दृश्य को आंखों में समाना। अलग अलग एंगल से आप तस्वीरें खींच सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक की प्रोफाइल पर लगा सकते हैं, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। सीरियसली, बहुत लाइक्स मिलेंगे। दोस्तों, ये है गोरखा म्यूजियम। पोखरा के महेंद्र पुल पर एक संग्रहालय है। पोखरा दर्शनीय स्थल के इस हिस्से में आकर
आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये म्यूजियम गोरखा सिपाहियों को समर्पित है जिन्होंने अपने अदम्य साहस से देश को हमेशा गर्व महसूस कराया। मौका आने पर इन्होंने देश को अपनी सेवा से कृतज्ञ किया, अपनी जान दे दी। गोरखा सिपाहियों के जीवन के बारे में आप यहाँ जान सकेंगे कि कैसे उन्होंने मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से देश को बचाया। ये आप यहाँ आकर बखूबी समझ जाएंगे कि ये जगह क्या कहना चाहती है। आई होप दोस्तों ये जगह, ये खूबसूरती आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।